मैं आपको काट रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा नहीं मुझे पता मुझे है। क्यों काट रहे हैं आप। इसकी बड़ी दुखी सी ये कहानी है, वो यहाँ पे क्या बताऊं। और वहां से वो इंतकाम के चक्कर में जलील हुआ वह इंसान, उसका आखिरी सहारा जब छीना, उसने कहा मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। इस जज्बे के तहत वो उसने फिर पाकिस्तान कत्ल में उसने करना 60 शुरू से ज्यादा लोगों को कर। मार दिया। वो उन बच्चों का शिकार करता था जो बच्चे घर से भागते थे, अल्लाह। उसके बाद फिर वो ज्यादती करता था, जब देखता था कि बच्चा हद से बाहर की भाग रहे थे, फिर काटता था, फिर काट के उसे तेजाब में वेस्ट कर देता था। पकड़ा गया, वो खुद उसने गिरफ्तारी दी थी उसको। जब सजा सुनाई गई ना, तो वो था कि सेम एज हिज एक्ट। अस्सलाम वालेकुम, फोर स्टार कैफे में खुश आमदीद। मैं हूं मसूद अहमद, मेरे साथ है अब्दुल मनान, यूसुफ शाह साहब एंड नैन साहब। नवीन अंसारी, अंसारी जी समझ आया ना आपको नाम कैसे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल किलर्स। पाकिस्तान में ऐसे सीरियल किलर्स आए जिन्होंने बहुत ज्यादा दहशत फैलाई, बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म कमाया, और अफसोसनाक पहलू है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को याद रहे कि ये सीरियल किलर्स हमारी लाइफ में गुजरे हैं। आपको याद है क्या थोड़ा ग्रुप भी हुआ करता था, सोए हुए लोगों को हथौड़े से मारा जाता था, सर फाड़ दिया जाता था, और वो प्रॉपरली ट्रेस भी नहीं कर सके। कुछ और लोगों को पकड़ा, लेकिन वो बहरहाल वैनिश। ये इतना पहले ये ग्रुप आया था ना, उस टाइम हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अखबार में खबरें आया करती थी, सही बात है, लेकिन दहशत बहुत हो गई। लोगों ने बाहर सोना छोड़ दिया था, गर्मियों के दिन थे, अक्सर बाहर सोया करते थे, बाहर सोते थे, लेकिन अब छोड़ दिया था। वो बाहर से आदत इतनी बनी है कि बाहर सोता ही है। हथौड़ा ग्रुप था, खंजर खंजर ग्रुप एक, उसके बाद फिर डेवलप हुआ, वो भी दहशत की अलामत बना। बच्चे थे इस्लामाबाद में, निडल ग्रुप भी था, निडल लगाते थे, वो बंदा थोड़ा सा आगे जाके बेहोश हो जाता था। ज्यादातर इनका शिकार लड़कियां होती थी, उठाया और ले गए। वो सीरियल किलर वाला काम जनाब, ये जिन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में किलिंग की और रिकॉर्ड पर रहे, पाकिस्तान का एक स्याह बाब है, इसे शॉर्टली मैं डिस्कस करूंगा आज। नजीर नारेजो सिंध के इलाके का शिकारपुर में रहने वाला एक ऐसा बच्चा था जिसका बाप जो है वो सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ था, LLB किया हुआ था, एक बड़ी रीजनेबल पर्सनैलिटी थी अपने इलाके की, वडेरा था, और वडेरा भी था, लेकिन वडेरा शाही के ही खिलाफ इस बच्चे में, नजीर नारेजो में, कोई खास चीजें ऐसी डेवलप हुई। एक बड़ी सैड स्टोरी है उसकी, लेकिन जस्ट मैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, कि वो डाकू बन गया, उसने अगवा भी कई किए और कई कत्ल किए, सीरियल किलर के तौर पे मशहूर हुआ। बहुत ही जालिम किस्म का और सफाक किस्म का वो सीरियल किलर था। अच्छा। कि जहां गया है सिर्फ लूटा नहीं है, पूरे घर को मार दिया। 11 बंदे हैं, 12 बंदे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े बूढ़े, कोई भी आया, उसने अपना साइकोलॉजिकल, क्योंकि डिप्रेशन और सप्रेस्ड माइंड का आदमी था, मतलब वो लूटता नहीं था, मार देता था, उसे मजा आता होगा ना। अच्छा, साइकोलॉजिकल बीमारी है ना सर, बिल्कुल, इतना ज्यादा वो अपने उस डोमिनेट हो जाता है बंदा प्रेशर में, और उसे मजा आता है, लस्ट पड़ जाती है खून का, भूखा हो जाता है इंसान। ये एक बीमारी है ना, विशदित बीमारी, नफसियाती बीमारी। और उसको जनाब फिर SSP सखर तनवीर अहमद थे, उन्होंने एनकाउंटर किया, ये उनका एक बहुत बड़ा एजाज था। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये देखिए, ये इन्होंने काम जो है 2015 में किया। अच्छा, तो ये काउंटर जो एनकाउंटर हुआ उसका, नजीर नारेजो का, वो 2015 में हुआ, शिकारपुर के ही इलाके में, यासीन गढ़ एक इलाका था, सही, वहां पर इसका एनकाउंटर। पिछले दिनों एक और भी वीडियो वायरल हुई थी ना, उसका भी एनकाउंटर हुआ, वो जो ना गर्दन उतार देता था ना, उसने वीडियो बना के भी चढ़ाई थी, वो कच्चे के इलाके में, कच्चे के इलाके के थे, उन्होंने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो उसका एनकाउंटर हो गया ना, तो वो भी इसी तरह का, जहां भी जाना उसने दहशत फैला देनी ना। इनका ये होता है साइकोलॉजिकल मसला, यही होता है कि दहशत फैले, खून नजर आए, हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, ये भी एक किस्म का। सर की कीमत इसकी 2 करोड़ रुपए थी, नजीर नारेजो की। कत्ल इस तरीके से भी होंगे, वो वहां किसी जगह, ऐसी जगह बैठे होंगे, वहां पे लोग उसकी बुराई कर रहे होंगे, उनको नहीं पता कि वो यही बंदा है, वो बंदा ताड़ लेता है, उसको भी आगे मार देता है मौका देख। एक और बहुत जालिम, एक और बहुत जालिम किरदार जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरा है, वो बच्चों का कातिल था, बच्चों का। 1956 में पैदा हुआ, 2001 में उसको, अच्छा, जो है वो सजा सुनाई थी, जेल में था, तो उसने फिर खुदकुशी कर ली थी। जावेद कुछ था उसका, 100 से ज्यादा बच्चे, जावेद इकबाल नाम था, उसने उनको अगवा किया, अगवा करने के बाद वो उनको
काट काट के पीसेस में तेजाब में डाल देता, वो उस टाइम डालता था जब उनके साथ ज्यादती कर लेता था। ये भी है कि ज्यादती जो भी है कि वो लोग, ये जावेद इकबाल जो था ये डार्क वेब के लिए काम करता था, रेड रूम आज तक कोई वीडियो बनाता था। जब वो पकड़ा गया वो खुद उसने गिरफ्तारी दी थी। मैं तो हैरान हूँ कि 100 बच्चे, अच्छा उसने शिकार भी वो उन बच्चों को किया। सर मैं आपको काट रहा हूँ, मुझे क्यों काट रहे हैं आप? अच्छा मेरी बात को काट रहे हैं, नहीं बात काट रहा हूं। वो उन बच्चों का शिकार करता था जो बच्चे घर से भागते थे, अल्लाह ठीक है, जिनका उस टाइम मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, वो घर वाले बस थका जाते थे कि बच्चे भाग गया हमारा, या वो बच्चे जो मतलब के यतीम होते थे, जो फिर रहे होते थे, जो काम करते थे, उनको टारगेट करके बेहला बसला के वो घर ले जाता था, खाना खाना खिलाता था, 3-4 दिन घुमाता था, उसके बाद फिर वो ज्यादती करता था, जब देखता था कि बच्चा हाथ से बाहर की भाग रहे थे, फिर काटता था, फिर काट के उसे तेजाब में वेस्ट कर देता था उसकी बाकियात। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, इसलिए वो पुलिस की नजर में नहीं आ सका, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं थी। अच्छा उसको जब सजा सुनाई गई ना, तो वो था कि सेम एज हिज एक्ट, जैसे इसने किया वैसे इसके साथ करो। तो अच्छा। उस वक्त जो है वो मुइन हैदर वजीरे दाखला थे आपके 2001 में, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो मुइन हैदर ने कहा कि इसको ये सजा ना दी जाए, इसको फांसी दे दी जाए। तो जो सजा थी वो ये थी कि वालदैन को बुलाया जाए, जो जज ने रिटन वर्ड्स थे वो ये थे कि वालदैन के सामने इसको उसी तरह टुकड़ों में तकसीम किया जाए, 100 बच्चे कमिट हुए हैं तो 100 ही टुकड़ों में ये काटा जाएगा, तेजाब में डाला जाएगा उन सारे वालदैन के सामने, ये सजा लिखी गई। इस पर अभी डिबेट ही चल रही थी और वो जेल में था, तो उसने अपने आप को पंखे से लटका कर कहीं से कुछ चीज लिया, कपड़े शपड़े बांध के ना, सही, तो फिर उसने फांसी कर ली थी और खुदकुशी कर ली। तो एक बहुत ही स्याबाब खत्म हुआ था उसने, इंतहाई अफसोसनाक वाकया। शादबाग में उसका घर था लाहौर, बिल्कुल, और ये तो अब याद भी किया। एक बच्चा बचा था 100 में से ना, 101 बच्चे थे, एक बच्चा बचा था जिसने, जो इसके साथ मिल गया था, इसने कहा था सर मैं आपको ना बच्चे खुद ढूंढ देता हूं। अच्छा एतमाद में ले लिया था, एतमाद में ले लिया था, खौफ के मारे लिया, जीनियस था, जीनियस था, अकलमंदी कर गया और इसी वजह से बच गया, बच गया। और लास्टली जनाब आमिर कयूम साहब है, 1981 में पैदा हुए, 2006 में जो है वो इनको सजा का ऐलान कर दिया गया। इसने जो है वो 60 से ज्यादा कत्ल किए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा और राह चलते लोगों को मार देना, जैसे हथौड़ा ग्रुप और खंजर ग्रुप है ना, इस तरह तो आमिर कयूम का वो एक ही जैसा था भाई, एक ही तरीके से मारता था या हर जगह डिफरेंट तरीके से? एक ही तरीके से, ये खंजर से लोगों को, यानी वो सीरियल किलर टाइप था, सीरियल किलर जो पूरी तस्कीन चाहते हैं जिस्म को चीरने फाड़ने, और वो जो एक होती है ना इनकी खून से अजियत पहुंचाकर मारना उसमें, और इसमें आधी से ज्यादा खवातीन। अच्छा तो ये आमिर कयूम भी ज़हनी शदीद बीमारी का शिकार था, और इसने भी देखें 60 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान में मारा है इसको। तो ये पकड़ा गया था? हाँ ये पकड़ा गया था। और उसके बाद इसकी बड़ी दुखी सी ये कहानी है, वो यहाँ पे क्या बताऊं कि घर से भी निकाल दिया, मारपीट के निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया, बहन भाइयों ने भी निकाल दिया, पता नहीं क्या हरकतें थी गलत किस्म की। फिर अपने एक अंकल गए, उनके पास चला गया अंकल, वो डॉक्टर शाहिद थे, डॉक्टर शाहिद के घर रहने लगा। वहां पर जब वो रह रहा था तो डॉक्टर शाहिद को एक बंदे ने कत्ल कर दिया। अच्छा वो हाफिज आबिद नाम था उसका, उसने कत्ल कर दिया। अच्छा कत्ल करने के बाद वो इसने उसको कत्ल कर दिया, और उसी इंतकाम में एक ही उसका सहारा था डॉक्टर शाहिद, उसका अंकल तो रिश्ते का कोई दूर का उसका रिलेटिव था, तो वो वहां से कोई नफ्सियाती गिरह पड़ गई, फिर गया, और वहां से वो इंतकाम के चक्कर में जलील हुआ वह इंसान, उसका आखिरी सहारा जब छीना, उसने कहा मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, इस जज्बे के तहत वो उसने फिर पाकिस्तान में 60 से ज्यादा लोगों को मार दिया। बहुत ही जालिम किस्म के लोग होते हैं। और बहरहाल क्या कह सकते हैं जी, ये एक रिवीजन था हमारे इखलाकी गिरावट का भी, इसमें वो है प्रेशर है, मैं मानता हूँ हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा दबाव है, हमें इनसे लड़ना सीखना चाहिए, बतौर मुस्लिम हमें उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं। कमेंट्स पे अपने जज्बात का इजहार जरूर कीजिएगा जी। इजाजत लेते हैं 4-स्टार कैफे में इस रिपोर्ट के साथ। अल्लाह।